नमस्कार, आप देख रहे हैं अखबार आज एक्सप्रेस में, हूँ आपके साथ। दूसरी खबरें जानेंगे विस्तार से। सबसे पहले खबर आपको बता रहे हैं, जो है एट्रोसिटी एक्ट को लेकर लगातार चल रहे विरोध के साथ आज सवर्ण समाज के द्वारा अलग ही अंदाज में विरोध किया गया है। इस दौरान सभी पार्टियों के नेताओं का विरोध सामने आया, जिसमें सवर्णों द्वारा पितृपक्ष के साथ आज उन्हें भी पानी पूर्ण किया गया। और सवर्णों का कहना है कि इन राजनेताओं की आत्मा मर चुकी है और ये हमें परेशान कर रहे हैं, जिसके लिए आज इन्हें पानी अर्पण किया जा रहा है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जो हमारे पूर्वज होते हैं, अगर उनका मोक्ष नहीं हुआ तो उनके मोक्ष के लिए पानी अर्पण करना होता है, नहीं तो उनकी आत्मा को शांति नहीं मिलती है और वे परेशान करते हैं। तो हम लोगों को लग रहा है कि वर्तमान सरकार की आत्मा मर चुकी है और इसके लिए पितृपक्ष में उनकी आत्मा की शांति के लिए पानी से अर्पण कर रहे हैं। अपने पूर्वजों की आत्म शांति के लिए आज से पितृपक्ष चालू हो रहे हैं और सामूहिक रूप से सभी लोग आज अपने माता पिता यहाँ से अर्पित कर रहे हैं, पानी अर्पित कर रहे हैं। लेकिन जो ब्राह्मण समाज है वो काला कानून को लेकर के आज जो राजनीतिज्ञ हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं, उनके विरोध में आज यहाँ पर एक सामूहिक रूप से पानी तर्पण कर रहे हैं। इनसे बात करते हैं, किस बात को लेकर के आज आप ये विरोध जता रहे हैं? आज जो है ब्राह्मण समाज द्वारा काला कानून के विरोध में हम लोग जो पितृपक्ष आज से प्रारंभ हो रहे हैं, उन पितृपक्ष में काला कानून का कहीं ना कहीं तर्पण कर रहे हैं। और जो राजनेता हैं इनका भी यहाँ पर तर्पण कर रहे हैं कि यदि इनके तर्पण करने से इनकी बुद्धि जो खराब हो गई है, कि कहीं ना कहीं इनको भगवान सद्बुद्धि दे, जिससे कि कम से कम जो भी कानून ये बनाए उस वो कानून ऐसा लागू हो कि जिससे सर्व समाज में एकता बनी रहे, सर्व समाज में जो ये एकजुटता है उसको खत्म किए, जो अभी इसमें वर्ग भेद जो हो रहा है वो वर्ग भेद ना हो, उस वर्ग भेद को दूर करने के लिए। इसलिए आज ब्राह्मण समाज द्वारा सामूहिक रूप से हम लोग यहाँ पर तर्पण कर रहे हैं और इन राजनेताओं का तर्पण कर रहे हैं, खासतौर से राहुल गांधी, अमित शाह, नरेंद्र मोदी, इनका तर्पण करके। और हम आज उनके लिए इनके लिए ये पुत्रों से ये मानते हैं कि कम से कम इनके लिए भगवान सद्बुद्धि दे। जी बिल्कुल, इनका कहना है कि जो इनके पितर हैं, पितरों से ये मानते हैं, इनकी आशा है कि जो बीजेपी के हों, फिर चाहे कांग्रेस के हो, कोई भी राजनीतिक आत्मा को शांति दे और साथ में इनकी सद्बुद्धि दे, क्योंकि जिस तरीके से ये जो एक्ट बनाया गया है या एक्ट को लेकर के जो विरोध किया जा रहा है या स्वर्ण समाज के साथ में जिस तरीके से ये विरोध किया जा रहा है, इस विरोध को लेकर के अब ये एक नया ट्रेंड लिया है इन लोगों ने और एक साथ में ब्राह्मण समाज के लोगों ने यहाँ पर तर्पण किया है। और जो राजनीतिज्ञ हैं या फिर चाहे वो कांग्रेस के हो या बीजेपी के हो, सभी का यहाँ पर विरोध किया जा रहा है और उनकी आत्मा की शांति के लिए यहाँ पर तर्पण किया जा रहा है। कैमरा पर्सन सुरेश कटियार के साथ में गब्बर सिंह ठाकुर, भोपाल।